भोपाल के खजूरी इलाके में गुरुवार को हुई बीएससी स्टूडेंट की हत्या के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। इस मामले में पुलिस ने ग्वालियर जेल से पैरोल पर बाहर आए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए झूठी साजिश रची और एक बेकसूर शख्स को मारकर उसके शव को जला दिया। वो चाहता था कि पुलिस उसे मरा हुआ समझ ले, इससे वो सजा से तो बच जाएगा और उसे उधारी भी नहीं चुकानी पड़ेगी। आरोपी ने स्टूडेंट को पहले बैट और हथौड़े से वार कर मारा, इसके बाद पेट्रोल डालकर जला दिया। आरोपी मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी में सुपरवाइजर है। वो गुजरात भागने की तैयारी में था, इससे पहले ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि जेल में रहने के दौरान उसने एक कैदी के जरिए 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बाद से वो कैदी बाहर जाकर परिवार को परेशान करने लगा। इरादा उसे ही मारने का था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका और ऐसे में खुद को मृत घोषित करने के लिए स्टूडेंट को मार डाला। आरोपी को 6 जुलाई को वापस जेल जाना था, लेकिन वो नहीं गया। मृतक की पहचान 21 वर्षीय अमन दागी निवासी सिराड़ी थाना दोराहा सीहोर के रूप में हुई। वो MVM कॉलेज से BSc सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और भोपाल के फंदा इलाके की अमलदास कॉलोनी में किराए के कमरे में रह रहा था। पढ़ाई के साथ ही वो साई ट्रेवल्स में जॉब भी करता था। गुरुवार शाम 6:30 बजे पुलिस को जानकारी मिली कि अमलदास कॉलोनी में रहने वाले अनीता हिरवार के किराएदार के कमरे से जलने की बदबू आ रही है, जिसके बाद कमरे का ताला खुलवाया गया तो अंदर अधजला शव पड़ा मिला। शव की पहचान अमन दागी के रूप में हुई। ये कमरा राघोगढ़ गुना के रहने वाले रजत सैनी उर्फ सिद्धार्थ उर्फ माइकल का था। पुलिस ने रजत के बारे में पता किया तो वो नहीं मिला। संदेह होने पर टीमें गठित की गई, जिसके बाद शुक्रवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने स्टूडेंट की हत्या की बात भी कबूल कर ली। 1 महीने पहले ही उसकी जान पहचान अमन से हुई थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी रजत ने बताया कि 2017 में कोर्ट ने उसे धोखाधड़ी के अपराध में 7 साल की सजा सुनाई थी। जेल में उसकी पहचान निरंजन मीणा से हुई, जिससे उसने 5 लाख रुपए उधार लिए थे। इसी बीच 23 मई को उसे पैरोल मिली। जेल के बाहर वो गया और भोपाल के फंदा इलाके में किराए से मकान लेकर रहने लगा। उसका प्लान निरंजन की हत्या कर उसे इसी किराए के कमरे में दफनाने का था, लेकिन उसे मौका ना मिल सका। निरंजन की हत्या का प्लान फेल होने पर उसने खुद की हत्या की साजिश रची, जिसके लिए भोपाल में उसे कमरा दिलाने वाले रवि मीणा को मारना चाहता था, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हुआ। गुरुवार को उसकी जगह दूसरा दोस्त अमन मिल गया, जिसके बाद उसने अमन को बुलाकर उसकी हत्या कर दी और पेट्रोल डालकर उसके शव को जला दिया। अमन की हत्या करने के पीछे उसका मकसद ये था कि पुलिस उसे मरा समझ लेगी और उसे मीणा को 5 लाख रुपए भी नहीं लौटाने पड़ेंगे। जो जेल की सजा बाकी थी उससे भी वो बच जाएगा।